के शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का हमलावर रुख जारी है। किसानों कृषि कानूनों की वापसी के मसले पर पार्टी ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी और आप के नेता नहीं पहुंचे, जिससे विपक्षी एकता की मुहिम को धक्का पहुंचा। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इससे गलत परंपरा शुरू होगी। माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है।